देश आज 71वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 1950 में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा संविधान को लिखा गया था, जिस संविधान को आज ही के दिन कानून में लागू किया गया था। तब से लेकर आज तक 26 जनवरी के दिन हमारे देश में झंडा वंदन किया जाता है। आपने इस वर्ष भी महात्मा फुले में झंडा वंदन किया है, क्या कहना है? हर वर्ष आप झंडा वंदन करते हैं। देखो, मैं मेरे ताकत से, मेरे मेहनत से रात को 12 बजे से लेकर पूरा तैयारी पे लगे रहता हूँ। सबको घर घर के जाके बोलता हूँ, भाई झंडा वंदन है, आप झंडा वंदन को आजिए। यहाँ पे पक्ष विक्षेप कोई ये नहीं, मुझे गर्व है मेरा देश का। इसके लिए मैं झंडा वंदन के लिए रात को 12 बजे से लेकर सोया नहीं अभी तक। मैं खाली नहाना करके मैं बाहर निकला हूँ कि क्या ये माहौल ऐसा है अपना झंडा वंदन का। और ऐसे भी कार्यक्रम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती हो चाहे कुछ भी हो, मेरे हिसाब से मैं करता हूँ। और मेरी एक ताकत है कि हम किसी से चंदा नहीं करते, किसी से पैसा नहीं मांगते। जो मेरे से होता हूँ, मेरे मेहनत से, वो ताकत से मैं काम करता हूँ। चीफ प्रमोटर के नाते से मैं विभाग का काम करता हूँ, विभाग का काम देखता हूँ। और जल्द से जल्द अभी ये काम होने वाला है। जल्द मार्च अप्रैल तक अपना काम होने वाला है कि अभी कोई मतभेद रहे नहीं यहाँ पे। मैं इतना बोल के दो शब्द पूरा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। जैसे कि आपने अभी कहा कि आप महात्मा फुले नगर के चीफ प्रमोटर हैं और जल्द से जल्द यहाँ का काम शुरू होने वाला है, तो ऐसे में जो महात्मा फुले नगर के झोपड़ी धारक हैं, सदस्य हैं, उनसे क्या विनंती करना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखो, झोपड़ी धारक से मैं हर एक टाइम विनंती करता हूँ। झोपड़ी धारक सब नाराज है कि भाई काम क्यों नहीं हो रहा, 15 साल से पूजा क्यों रोका है। तो देखो, इस मामले में कार्यकर्ता में क्या गठबंधन है मुझे तो पता नहीं है। मैं पहले से एक ही जगह पे हूँ और एक ही जगह पे रहता हूँ और मुझे काम चाहिए। मुझे सब झोपड़ीदार को घर देना बहुत ज़रूरी है, चाहे दो हो चाहे तीन हो, उनको घर मिलना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी बिल्डर आना तो यहाँ पे मैं पूरा लिखा पढ़ाई करने वाला, वहाँ से तो झोपड़ी को हाथ लगा देगा, मैं कोई भी झोपड़ा खाली करने को देगा नहीं। ये मेरी विनंती है बिल्डर से, कोई बिल्डर आना दो। विनंती है कि आम्ही आता काम दिलेलं आहे, आमचं काम पूर्ण व्हावं। आमची एकच विनंती आहे की प्रत्येक लोकाला झोपडीधारकाला घराला घर भेटावा आणि प्रत्येक लोकाला चेक भेटा, हीच आमची एक विनंती। हा, मैं दिलीप मंगरेशी जुड़े हुए है, पहले से 2006 से मैं देख रहा हूँ जो काम होता नहीं है। काम क्यों नहीं हो रहा है? ये जुड़े मंगरे साहब जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं उसके साथ जुड़े हुए मैं पहले से 2008 से। अभी तो काम पक्का नहीं हो रहा है लेकिन पक्का कर रहे हैं मंगरे साहब, ये मेरा जुनून है और करना चाहिए। झोपड़ी धारक मैं बोल रहा हूँ और झोपड़ी धारक की परवाह है, हमारे चाल जो है हमारे हिसाब से जानता है, सुपर काम करेंगे। हिसाब से मैं ठाम पद से बोल रहा हूँ, विनती करेंगे क्यों जो काम 2006 से होने हो रहा है तो मगर साहब 2006 से लड़ाई कर रहे हैं तो लड़ाई करना चाहिए और लड़ाई से हिसाब से मगर साहब जीतेंगे। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए एसटीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।